गति का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। आइए अब हम गतिशील वस्तु के स्थिति में होने वाले परिवर्तन को देखें। एक वस्तु बिंदु O से गति प्रारंभ करती है, जिसे मूल बिंदु माना जा सकता है। पहले वस्तु O से D, फिर D से C, फिर C से B की ओर, फिर B से A तक पहुंचती है। O से A तक वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई OA is equal to 50 kilometers। फिर यह उसी पथ पर लौटती है और B से C की ओर से गुजरते हुए D तक पहुंचती है। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई OA plus AD 50 plus 40 equal to 90 kilometers। वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, जो यहाँ पर 90 किलोमीटर्स है। पर वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कितना अंतर है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति O, वस्तु की अंतिम स्थिति D, वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों का अंतर 10 किलोमीटर। यहाँ वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों का अंतर 10 किलोमीटर है। इस अंतर को विस्थापन कहते हैं। आइए अब विस्थापन और तय की गई दूरी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशि आदिश राशि कहलाती है। राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। किसी वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ उसके गति की दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशि सादिश राशि कहलाती है। उपरोक्त उदाहरण में यदि वस्तु केवल O से A तक दूरी तय करे तो O से A तक तय की गई दूरी 50 किलोमीटर, O से A तक विस्थापन 50 किलोमीटर। अतः विस्थापन व दूरी दोनों का परिमाण समान है। यदि वस्तु O से A तक जाए और पुनः O पर वापस आ जाए तो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई OA plus AO 50 किलोमीटर धन 50 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर होगी। किंतु विस्थापन शून्य है, क्योंकि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति संपाती हो जाती है। इस तरह विस्थापन शून्य भी हो सकता है, चाहे तय की गई दूरी शून्य ना भी हो। एक और उदाहरण द्वारा विस्थापन और दूरी को समझते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है, तत्पश्चात 8 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, वह पुनः 3 मीटर पश्चिम में चलता है। स्पष्ट है कि यहाँ तय की गई दूरी AB धन BC धन CD 3 मीटर धन 8 मीटर धन 3 मीटर बराबर 14 मीटर है। विस्थापन का परिमाण बराबर AD बराबर 8 मीटर है और विस्थापन A के उत्तर दिशा में है।